बहुत डर लग रहा है। अगर वो मुझ पे ऐसे अटैक कर सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है मेरे साथ। देखिए, उसे जो करना था उसने कर लिया, उसके लिए सॉरी। और आप चिंता ना करें, अब तक मैंने आप लोगों का साथ दिया है तो आगे भी दूंगा। हाँ, तो साथ क्यों नहीं देगा, पैसे चुकाए तूने। तब तो एक काम करता हूँ, एक सप्ताह के लिए 2 कांस्टेबल अपॉइंट कर देता हूँ, वो हर वक्त आपके साथ रहेंगे। और वैसे भी कल संजू के केस का कोर्ट में फैसला आने वाला है। हाँ, इस बीच अगर परी ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो आप लोग तो सेफ रहेंगे। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। ठीक है इंस्पेक्टर, आप 2 अच्छे कांस्टेबल अभी अपॉइंट कीजिए मधु की सेफ्टी के लिए। नहीं 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 रोशन नो, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। आप अपने कांस्टेबल इंस्पेक्टर साहब अपने पास रखिए, अगर कुछ करना ही है तो परी का कीजिए ना। मतलब साफ है, उसे अरेस्ट कीजिए। व्हाट? लेकिन परी को अरेस्ट क्यों, क्या किया है परी ने? आप मानो या ना मानो, लेकिन साक्षात भगवान जी आपके साथ जरूर है। एक मुसीबत से निकल के दूसरे मुसीबत में फंसते ही तुरंत वहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाता है जी। जरूर कोई स्पेशल कनेक्शन है जी, वरना आप सोचो इतना खतरनाक मिशन को कंप्लीट करके वापस आना, वो भी सबूत के साथ जी, ये तो टॉम क्रूज जी के लिए भी इम्पॉसिबल है जी। थैंक यू बल्लीवीर, लेकिन ये सब ना मैं अकेले नहीं कर सकती थी। आपने मेरा साथ दिया तभी सब कुछ आराम से हो गया। परी जी, ये इमोशनल गल कर दी आपने जी, मैं आपको अपनी छोटी बहन मानता हूँ जी। ये अदालत, ये कानून, इन सब से भरोसा मेरा कब का उठ गया था जी। जी, ये सब क्या है, इतनी सारी अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग कपड़े। ओ परी जी, आप बहुत जल्दी भूल गई। याद है जब आप मुझे पहली बार मिली थी कोर्ट में, रील्स ही तो बना रहा था। ये सब रील्स के चक्कर में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बन जाता हूँ जी। अभी तो एक और बनाना बाकी है जी। कमाल है आप भी। अच्छा, आपको काफी भूख लगी होगी, मैं अभी गया और कुछ बना के लाता हूँ जी। नहीं 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 वीर जी, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, काफी रात हो गई, मुझे घर के लिए निकलना होगा। और हाँ, ये सबूतों का बैग ना मैं आपके यहाँ ही छोड़ के जा रही हूँ। वो मधुलिका ना बहुत चालाक है, इन सबूतों को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। आप कल ना इन सबूतों को कोर्ट में लेके आना, फिर हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन सब का टेस्ट करें। ठीक है जी, आप चिंता ना करो। लेकिन मधु जी, बिना किसी कंप्लेंट के हम उसको अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? प्रॉब्लम क्या है, विक्टिम खुद आपके पास यहाँ पे बैठी हुई है, ये काफी नहीं है क्या? ये देखिए उसने मेरा हाल क्या किया है, उसने मुझ पे अटैक किया है, उसने मुझे मारने की धमकी दी है, क्या ये काफी नहीं है? ये लड़की बहुत चालाक है, ये झूठ पे झूठ बोल के परी को फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये भी जानती है परी कुछ भी करके सबूत ढूंढ लेगी इसके खिलाफ। और ये इंस्पेक्टर, कम से कम इसे तो अपनी वर्दी की इज्जत रखनी चाहिए, सबके सब एक जैसे है। ठीक है, मैं उसे उसके घर से अरेस्ट करता हूँ, अब तो वो घर आ चुकी होगी। ये अच्छी बात है। चावला। यस सर। चलो गाड़ी निकालो। यस सर। ये सब क्या हो रहा है, सारी चीजें हमारे अगेंस्ट जा रही है, पर एक ऐसा सिस्टम है यहाँ पे एक पार्टी की बात सुनी जा रही है और दूसरी पार्टी को दबाया जा रहा है। हे भगवान जी, आप ही कुछ कीजिए, कुछ भी करके बस परी को अरेस्ट होने से बचा लीजिए प्लीज। नीति, आई एम सॉरी यार, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। शैली, मैं तुम्हें समझा नहीं सकती और ना ही तुम खुद समझ पाओगे कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ। तुम्हारे लिए परी सिर्फ मेरी एक दोस्त है, लेकिन मेरी नजरों से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हम दोनों का रिश्ता क्या है। यूँ समझ लो कि हम दोनों का दिल भी ना एक दूसरे के सीने में ही धड़कता है। परी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे ज्यादा इफेक्ट मुझे ही होता है, और आज उसके पति पर इतना बड़ा इल्जाम लगा है। कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं जीजू, तुम्हें अंदाजा भी है परी और उसकी फैमिली पर क्या बीत रही होगी। यू आर राइट नीति, मैं सेल्फिश हो गया था, सेल्फिश होकर सिर्फ अपने बारे में सोचने लग गया था और ये भूल गया था कि तुम्हारी लाइफ में सारे रिश्ते तब से हैं जब मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं था। तुम तो अपना नॉर्मल बिहेव कर रही थी, मुझे ही ऑड फील हुआ, इसलिए ओवर रिएक्ट कर दिया। आई एम सॉरी, शायद इसलिए ओवर रिएक्ट कर दिया क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें खो देने का एक अजीब सा डर बैठ गया मेरे दिल में। मैं किसी भी कीमत में तुम्हें खोना नहीं चाहता नीति, आई एम सॉरी टू शैली, बट मैं कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। मैं वन मैन वुमेन हूँ। मेरी जिंदगी की सारी सुइयाँ सिर्फ एक ही इंसान पर आकर रुक जाती हैं और वो है मेरा संजू। मैं सिर्फ उसे ही चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी भी संजू है और मेरे जीने की वजह भी वही है। इतनी रात को कौन आया होगा? नीति, मैं देखता हूँ। इंस्पेक्टर, अब इस टाइम यहाँ? हमें इस घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? क्यों, क्या हो गया? वो भी इस वक्त? देखिए, एक मौका दे रहा हूँ आप लोगों को, कोऑपरेट करिए। उसको बुलाइए, वरना अच्छा नहीं होगा आप लोगों के लिए। किससे बुलाना है इंस्पेक्टर? आखिर गल की है, साफ साफ बताइए ना। हम परी को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। अरे आप परी को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, वो भी इतनी रात को? वो क्रिमिनल है और क्रिमिनल को अरेस्ट करने के लिए दिन और रात नहीं देखा जाता। अरे पर परी भाभी ने किया क्या है? रुशद अहलूवालिया के होटल में जाकर के तोड़फोड़ की है और मधुलिका जी को जान से मारने की धमकी दी है। एक मिनट इंस्पेक्टर, अब परी की गल कर रहे हैं। परी ऐसा कभी नहीं कर सकती। देखिए, आप बेकार में हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। बुलाइए उसको, वरना अच्छा नहीं होगा। वरना क्या इंस्पेक्टर? जैसे संजू पर गलत इल्जाम लगाकर उसे जेल में बिठाया है, वैसे ही मधु परी पर भी गलत इल्जाम लगाकर उसे जेल में बिठाना चाहती है। लेकिन मेरे जीते जी मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ठीक है, फिर आपकी मर्जी। हमारे पास सर्च वारंट है इस घर की तलाशी लेने का। चावला, इस घर का कोना कोना छान मारो। जाओ। जी सर। तुम इधर जाओ। ऐसे कैसे कर सकते? होशियारी नहीं इंस्पेक्टर साहब जी, मैंने होशियारी तो नहीं सीखी है जी। अगर सीखी होती तो वेल्लर नहीं बैठा होता। मेरे पास है ना केस की लाइन पे लाइन लगी होती जी। वैसे जिस तरह से आप शरीफ वकील के घर में घुसे हो ना, वैसे तो पुलिस किसी क्रिमिनल के घर में घुसती है जी। और मैंने तो कोई क्राइम किया ही नहीं, तो मैं क्रिमिनल कैसे हुआ जी? क्रिमिनल को अपने घर में पनाह देना भी एक क्राइम है, ये तो जानते हो ना वकील साहब। इस घर में कौन कौन रहता है जी? मैं और मेरी तन्हाई इस घर। ज्यादा नौटंकी नहीं, जो पूछ रहा हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दो, वरना पूरी हेकड़ी निकाल के रख दूंगा। तो निकालो ना जी, हेकड़ी निकालो। जी जी इंस्पेक्टर जी, वो क्या है ना, जुबान मेरी कैंची की तरह है, चलती रहती है। इतना पूछ रहा हूँ उतना चुपचाप बताओ, कहाँ है परी? परी परी? हाँ जी। कौन परी जी? कौन परी जी? याद नहीं आ रहा जी, मैं किसी परी को जानता ही नहीं जी। परी तो छोड़िए, छिपकली को नहीं जानता जी। अच्छा, तो तुम परी को नहीं जानते हैं? याद दिलाऊं तुम्हें, याद दिलाऊं? हाँ जी, जी याद आ गया जी। आज जी मैंने आपका पॉइंट समझ लिया जी, समझ गया। वो परी की बात कर रहे हैं जी। अजी वो तो अपने घर पे होगी ना इस वक्त, आप मेरे घर में क्यों ढूंढ रहे हैं? आप उनके घर में ढूंढिए, अब बता दूं मैं। लेकिन वो अपने घर पर नहीं है अभी। तो अपने घर पे नहीं है जी, तो कितने है? अजी कल कोर्ट की सुनवाई होने वाली है जी, मैं जीत जाऊंगा फिर पेमेंट कौन देगा जी? जो पूछ रहा उतना बता, कहाँ है परी? तो वकील है ना, इसलिए शराफत से बात कर रहा हूँ, वरना जो चालाकी दिखाता है ना उसे ठीक करना आता है मुझे। करूँ क्या ठीक तुझे? नहीं जी। हाय रब्बा, अब क्या करूँ मैं? अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो कल मैं राशिद को कोर्ट में बेगुनाह कैसे साबित कर पाऊंगी?